डुमरी के दंगल में दोनों मुख्य गठबंधनों ने नारी शक्ति पर दांव खेला है। सत्ताधारी महागठबंधन की तरफ से इस सीट पर जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चुनाव लड़ेंगी। हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले ही बेबी देवी को मंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला है। इससे पहले मधुपुर उपचुनाव में भी ऐसा ही किया गया था, जो सफल रहा था। मंत्री हाफिजुल हसन ने अपने पिता हाजी हुसैन अंसारी को सीट उनकी बचा ली थी। और इधर बात करें तो एनडीए की बड़े भाई बीजेपी ने सीट छोटे भाई आसू के लिए छोड़ दी है। आसू ने यहां से यशोदा देवी को उम्मीदवार बनाया है। यशोदा देवी 2019 के चुनाव में भी किस्मत अपना आजमा चुकी हैं, लेकिन जगन्नाथ महतो के हार से उन्हें शिकस्त मिली थी। 2019 में समीकरण इसलिए अलग था क्योंकि बीजेपी आसू अलग अलग लड़ रहे थे। दोनों ही पार्टियों को करीब 36,000 वोट मिले थे और जीतने वाले जेएमएम के जगन्नाथ महतो को 71,000 से कुछ ज्यादा। अगर बीजेपी और आसू के वोटों को एक साथ जोड़ते तो ये लगभग 73,000 वोटों के करीब का था। और डुमरी विधानसभा में 2,98,629 मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,54,452 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,44,174 है, जो 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन अपना नया प्रतिनिधि चुनेंगे। और कल दोनों गठबंधन के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें दोनों खेमों के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। एनडीए की तरफ से सुदेश महतो, आसू के सांसद विधायक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पार्टी के बड़े नेता शामिल रहेंगे। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस, आरजेडी के बड़े चेहरे नामांकन में अपनी ताकत दिखाएंगे। राज्य में होने वाला यह छठा उपचुनाव है और इसी साल के शुरुआत में हुए रामगढ़ उपचुनाव को छोड़ दें तो हर बार महागठबंधन विपक्ष पर भारी रहा है और 5 उपचुनावों में जीत दर्ज की है। बीजेपी का प्रत्याशी कभी उपचुनाव में सत्ताधारियों से नहीं जीत पाया। एकमात्र चुनाव में महागठबंधन को जो हार मिली है वो आसू से ही, और इस बार भी फिर उसी आसू के प्रत्याशी से टक्कर होने वाली है। अब देखना है कि क्या आसू अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रख सकता है या फिर सीएम हेमंत के विधायक से पहले मंत्री वाला दांव फिर से काम आ सकता है। परिणाम 8 सितंबर को आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।